हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम और फॉर्मूले का यूज सीखेंगे, और यानी OR। ठीक है, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम आपको दिखाई पड़ रहे होंगे और यहाँ पर उनकी परसेंटेज, अब ये किसी सब्जेक्ट में मार्क्स पाए इन्होंने उसकी परसेंटेज यहाँ पर है। अब ये पास हैं या फेल हैं अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, इसे हमें पता करना है। तो इसके लिए हम यहां पर यूज करेंगे और फॉर्मूला, साथ ही साथ इफ भी लगाएंगे। तो यहां पे लगाया इफ पहले, अब देखिए अब इसमें हम और फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। तो ओ आर और लगाया हमने, ब्रैकेट को ओपन किया, और जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करेंगे ये परसेंटेज आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही ये परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे बी टू इज लेस देन 50% किया है हमने। ठीक है, उसके बाद हमने लगा दिया है कॉमा। ठीक है, अब इसमें एक और कंडीशन देते हैं, तो इसी को दोबारा से सेलेक्ट करेंगे। ये जो है ना 20%, इसको दोबारा से हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ बी टू आ गया है देख सकते हैं, और यहाँ पे हम ग्रेड दे देते हैं, एस ग्रेड कर देते हैं, ए भी कर सकते हैं, जो इच्छा वो कर सकते हैं, जो भी ग्रेड आप देना चाहते हो यहाँ पे वो दे दीजिएगा। तो यहाँ पे ए ग्रेड कर दिया हमने, ए ग्रेड करने के बाद ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये हिस्सा खत्म हुआ। फिर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर दो क्राइटेरिया, एक तो फेल्ड की, पहली कंडीशन हमारी थी कि यहां पर 50 से लेस रहेगा, तो 50 से लेस रहेगा तब तो फेल हो जाएगा, 50 के बराबर होगा तो पास हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो ये हमने कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉमा दे करके, और फिर अगर अधिक है तब तो ठीक है, ये पास हो जाएगा बच्चा, तो यहाँ पे पास लिख दिया। अब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 20% है, तो यहाँ पे फेल्ड आ रहा है। अब इसको ट्रैक कर देते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट जो है, ये देखिए यहाँ वाला रिजल्ट, तो ये देखिए ये पास है, ये पास है, ये पास है, सब पास है। जो भी 50 से अबव है वो पास है, या जो 50 भी है वो भी पास है। अब यहाँ पे अगर मैं चेंज कर देता हूँ, देखिएगा जरा, यहाँ सिर्फ 50 करता हूँ और एंटर करता हूँ, ये यहाँ से इसको चेंज करना होगा। हाँ, अब देखिए ये 50 किया हमने, तो अब देखेंगे यहाँ पास आने लगा, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर 50 से कम होती, 49 होती, तब क्या होता, तो 49 होगा तो ये फेल्ड आएगा यहाँ पे। यहाँ देखिए 39 है तब भी फेल्ड है, और 49 होगा तो भी फेल्ड का रिजल्ट आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ फेल्ड का ही रिजल्ट आ रहा है, लेकिन यही चीज जब 50 हो जाएगी तो पास का रिजल्ट आएगा। उम्मीद करता हूँ ये और का फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।